वो मैं चाचा ये कह रहा था कि खुशबू को मेरे साथ भेज दो। अच्छा हाँ, वो मेरा मतलब है कि अपनी पसंद का जोड़ा और अंगूठी ले लेगी ना। अच्छा भाई, सब कुछ खुशबू के लिए किया जा रहा है, जो इस शादी के लिए तेरे से मान ही नहीं रही, और जो उसको जबरदस्ती मना रहा है तेरे लिए, कुछ भी नहीं है उसके लिए। मैं तुमसे अपना इलाज करवाने नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का इलाज करने आई। हाउ डे यू टॉक टू मी लाइक दिस? आप हैं कौन? वजल की माँ। मम्मा। हाँ, क्या हुआ? आपने कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि डॉक्टर गनबा को छोटी बहन बनाकर लाई है या बहू? अम्मी तो कह रही थी कि बाबा जान के पास कोई पुरानी तस्वीर है, हमने काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वैसे उम्मत जरा सोचो, अगर बिल्कुल फिल्मों की तरह जलालुद्दीन की असली बेटी हुरमत मैं निकल आई और तुम कोई और, तो फिर क्या होगा? गालिब चौधरी एक तमाश भी नहीं थी, मुखलिस इंसान, और उसने हम मां बेटे का बहुत साथ दिया। चाहने वालों से ज्यादा कौन मुखलिस हो? बहरहाल हम आपको तलाक दे चुके। अब्बा, आप लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ मेंटली। मैं किस तरीके से पढ़ाई करूंगी? मेरा दिमाग मेरी जगह पर नहीं है। बच्चों बोला, मैं फटी चप्पल की तरह तेरे मुंह की सिलाई कर दूंगा, बता रहे हो? मैं गुड मॉर्निंग इमा जी। वेरी गुड मॉर्निंग। नींद तो अच्छी आई होगी। बहुत मजे की नींद आई है मुझे। वो दरअसल आपसे बहुत उनसियत है ना, तो ये जगह अजनबी नहीं लगी, अपनी सी लगी। तुमने कुछ नोट किया क्या? ये फूल। वो फूल कहां से ले आई आप? मैंने अपनी लॉन में गार्डनिंग की है, वहां खिला था ये फूल। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छी लग रही है। कौन, मैं या फूल? दोनों। वैसे एक बात पूछूं आपसे? तुम 10 बातें पूछो और हर बात 10-10 बार पूछो, लेकिन पूछने का मत पूछना। थैंक्स, आपकी इसी अपनाइयत ने तो मेरे कदम आपकी तरफ बढ़ा दिए। अच्छा पूछो ना, क्या पूछ रहे थे? हाँ, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि रात को आप क्या बात करके गई थी कि प्रपोज कर लो, बात आगे बढ़ानी है, डिस्टेंस एंड ऑल दैट। यही कि चीजें जल्दी से जल्द सेटल हो जाएं। और वैसे भी तुम प्रपोज करने में इतना झिझक क्यों रहे हो? अरे गनबा जी, झिझकना कैसा, एक्चुअली प्रपोज करने की तो गुंजाइश ही नहीं बनती है। मैंने और हमद बानो ने डिसाइड किया है कि हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे और आपके पास इसी घर में रहेंगे। हुरमत बानो, ये कौन है? I'm really very sorry. Actually, हुरमत बानो वो लड़की है जिससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। कितना खूबसूरत नाम है, हुरमत बानो। वो खुद भी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। जब आप उसे देखेंगे ना, तो आप यही कहेंगे कि वो मेरे लिए बनी है। अच्छा, इतना प्यार करते हो उससे? खुद से भी ज्यादा। और वो, मतलब वो भी तुमसे इतना प्यार करती है? बॉस, ते बड़े इज्जतदार बाप की बेटी है, ते बड़े घराने की लड़की, अगर मेरे साथ भागने को तैयार है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है, तो खुद सोचे मैं उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकूंगा। अरे शायद क्या हुआ, आंख में कुछ चला की है। मैं एक मिनट आई। आंख में कुछ? अभी तो ठीक थी।
ये क्या हो गया? ये तुमने क्या किया मौजिज? मेरे ख्वाबों का भरम तोड़ दिया। शुक्र है कि मैंने अपने जज्बों का इजहार नहीं किया। वरना तो मेरी इज्जत तो कौड़ी की रह जाती। मैं अब तुम्हें कभी नहीं बता सकूंगी कि मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। फिर भी ये क्या काम है कि तुम मेरे पास मेरे सामने रहते रहोगे? कहाँ चले गए बाबा जान? दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। मुअज़्ज़िज़ यस मैम। मैं हुरमत, खुशबू की दोस्त। खुशबू की फ्रेंड है आप? जी, वो खुशबू आपका काफी जिक्र करती रहती। हाँ, वो अक्सर अपनी सहेली का जिक्र करती तो है लेकिन कभी नाम मेंशन नहीं किया। मैं आपकी फेसबुक फ्रेंड भी हूँ। अच्छा, हैरत है, मैंने कभी नोट नहीं किया। अगर नोट करता तो मैं आपसे दोस्ती जरूर करता। वो एक्चुअली मेरी प्रोफाइल पे मेरी डीपी नहीं लगी हुई ना। दैट्स व्हाई। वरना इतना खूबसूरत चेहरा कोई कैसे इग्नोर कर सकता। हुरमत जी। बाबा जान, आपके अम्मी जान आपको याद कर रही। जी आती हूँ, आप चले। शुक्र है कि ये ख्वाब था, मगर अफसोस भी है ये ख्वाब था। काश मौजिज से सच में मुलाकात हो जाए। बाबा जान को भी अभी आना था, फोन नंबर तो लेने देते। खुशबू तो देने से रही उसका फोन नंबर। आ जाओ। आ जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शायद धूल चली गई थी तो इसलिए आंखों में आंसू ज्यादा आ गए। वहां कहां से धूल आ गई? पलक टूट गई थी शायद। हर छोड़ो ना, हुरमत के बारे में बताओ ना कुछ। मेरा और हुरमत का पिछले 1.5 साल से अफेयर चल रहा है। आप उसकी मुझसे मोहब्बत का अंदाजा लगाएं। इस पूरे अरसे में उसने मुझे कभी शादी के लिए फोर्स नहीं किया। क्या पता मैं फ्लर्ट हूं और भाग जाऊं। वाओ, कितनी खुशकिस्मत हो जो इतना प्यार करने वाली मिली। खुशकिस्मत तो मैं दोस्तों के मामले में भी हूँ। देखे ना, आप जैसी मुखलिस और प्यारी दोस्त मुझे मिली है। अच्छा, एक काम करो, मेरी बात तो करवाओ अपनी महबूबा से। वो मैंने फोन ऑफ किया हुआ है, वो मामा कॉल्स पे कॉल्स कर रही है। अगर मैंने अटेंड की ना कॉल तो वो बहुत खिंचाई करेंगे मेरी। तो मेरे नंबर से डायल कर लो ना, या फिर तुम उसका नंबर मुझे देना चाहो तो। शादी के बाद तो आप ही घर आने वाली है और आपसे नंबर क्यों छुपाने लगा मैं? तो फिर करवाओ ना मेरी बात। फोन पे बात करने की जरूरत ही क्या? आप डायरेक्ट जाके उसके घर पे उससे मुलाकात क्यों नहीं कर लेती? वाओ, फंटास्टिक आइडिया। लेकिन हम उसके घर जाएंगे किस बहाने से? अरे हनुमा जी, बहाना क्या, जेन्युइन रीजन है हमारे पास। आप मेरा रिश्ता लेके जाएंगे वहां पे? क्या मतलब, तुम्हारा रिश्ता मैं लेके जाऊंगी? प्लीज हनुमा जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इस काबिल तो हूँ नहीं कि आपके साथ कोई रिश्ता जोड़ू, लेकिन आप हैं तो मेरी बड़ी बहन जैसी। अच्छे दोस्त का रिश्ता भी तो हो सकता है ना? हाँ, लेकिन हुरमत के बाप के सामने हम दोस्ती का रिश्ता तो नहीं बता सकते ना।
यू नो वो बड़े ही मुअज्जब शख्स हैं। ओके, अब दूसरा सवाल, रिश्ता ले जाने वाला फरीजा, मैं अकेले सर अंजाम दूंगी? अरे अकेले कैसे, मैं आपके साथ जाऊंगा ना। मेरा मतलब है माँ बहन बेटी, फैमिली का कोई फर्द कोई तो होगा ना। कैसी बातें कर रही है हनुमा जी, माँ और अदा को तो मैं नहीं ले जा सकता, और उनको बताऊंगा तो वो मानेंगे भी नहीं, और मैं अपने घर में अकलौता ही मर्द हूँ, वो मेरे वाले साहब की बचपन में ही डेथ हो गई थी। लिसन मोजेस, सगी बहन तो मैं कहूंगी नहीं, यू नो जिन लोगों से लड़की का रिश्ता मांगा जाए ना, तो वो लड़के वालों की जांच पड़ताल तो करते ही हैं। अरे आप कजन कह दीजिएगा ना, सिंपल। और जब वो माँ बाप और बहन भाई के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? यही सारे सवाल तो मुझे कब से परेशान कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप कोई ना कोई स्टोरी बना देंगी, आप कहानी को बिगड़ने नहीं देंगी, संभाल लेंगी। मगर तुम तो कह रहे थे कि वो फैमिली छोड़ के खुफिया निकाह करने को तैयार है। तब की बात और थी, लेकिन अब मेरे पास आप जैसी इज्जतदार खातून का घर है, तो क्यों हुरमत के बाप को रुस्वा होने दूं, और क्यों हुरमत को उसकी निगाहों से गिरा दूं? प्लीज हनुमा जी, प्लीज मेरी मदद करें, सिर्फ आप ही जो मेरी हेल्प कर सकती हैं, प्लीज हनुमा जी। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ रिश्ता लेने। आज नहीं, आज नहीं, आज मुझे क्लिनिक जाना है, कल चले जाएंगे। कल पक्का चलेंगे ना? हाँ ओके। सलाम चाचा। वासाम। कैसे आगे आना हो गया भैया? चाचा वो मंगनी के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लिया मैंने। बाबा लगता है भाई तेरा जूता भी बड़ा काटता है तेरे पैर में। भाई क्या चाचा? अच्छा ये बता भाई कि तूने मंगनी के लिए कितना जमा कर लिया रोकड़ा? चाचा ठीक ठाक कर लिया मैंने, एक सोने की अंगूठी और झिलमिल झिलमिल करता सूट पहनाऊंगा तेरी बेटी को। वाह भाई वाह। और हाँ, दो देखे जरदा बिरयानी और सात ठंडी बोतलें रखी हैं मैंने। अच्छा बात सुन, उन ठंडी बोतलों में से एक बोतल अभी मंगवा ले ठंडी। अबे चाचा ठंडी बोतल क्या, साथ बिरयानी भी मंगवाओ, लेकिन एक ख्वाहिश पूरी कर दो अपने होने वाले दामाद की। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा बोल बोल। वो मैं चाचा ये कह रहा था कि खुशबू को मेरे साथ भेज दो। अच्छा हाँ। वो मेरा मतलब है कि अपनी पसंद का जोड़ा और अंगूठी ले लेगी ना। अच्छा भाई सब कुछ खुशबू के लिए किया जा रहा है, जो इस शादी के लिए तेरे से मान ही नहीं रही, और जो उसको जबरदस्ती मना रहा है तेरे लिए, कुछ भी नहीं है उसके लिए। अरे चाचा क्यों नहीं, आपको भी अगर कोई जरूरत है तो पूरी कर देता हूँ, 1000-2000 आप भी रख लो। अच्छा 1000-2000, ये हो गए 3000। ला ला ला। अब देख अच्छी बात तो नहीं लगेगी ना कि बेटी की मंगनी और बाप जो है खाली हाथ घूम रहा है। ठीक है चाचा, तुम एक काम करो, तुम जाके खुशबू को मनाओ मेरे साथ चलने के लिए, मैं भी खुला करा कर लाता हूँ। अबे तो खुला कराने के लिए मुझसे भी कह सकता है तू भाई, है 5000 गए। तो जाओ वही करा भाई दुकान, दो खारे बिस्किट भी ले आइयो। अरे चाचा मीठे लेकर आऊंगा। हाँ मीठे लेके आएगा, तू लाएगा। चल भैया मैं जरा झट बात कर लू। आज तो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा है, मौजिस के रिश्ते के लिए भी जाना पड़ेगा। अभी तो इसे दूल्हा बने भी देखना है, इसकी दुल्हन को
सहारा देकर अपनी दहलीज पार करवानी है। और मौजिस की वेडिंग नाइट को अपने कमरे में, हो मेरे अल्लाह मुझे सबर अता कर, मुझे सबर अता कर। अब्बा मैंने आपसे कह दिया ना मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना, और उसको अगर कुछ लेके आना तो जाके खुद लेके आए ना, मुझे क्यों साथ लेके जा रहे हैं? अरे वो कलाबत्तू के खुस्से की तरह सजाना चाहता है तुझे, अरे तेरी पसंद से दिलाना चाहता है अंगूठी और जोड़ा। रोज रोज के नए ड्रामे लगा के रखे हैं, चैन से पढ़ने थोड़ी देंगे आप लोग मुझे। अरे घंटा डेढ़ घंटे में कौन सी पढ़ाई का हर्ज हो जाएगा भाई? और ये तुम्हारी गैरत और शर्म को क्या हो गया है? जिस लड़के से शादी कर रहे हो उसी के साथ भेज रहे हो, हैं? अभी निकाह कौन सा हुआ है? तो मंगनी की रस्म अदा करने की बात हो रही है, और ये शर्म और ये हया को मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ। अब ये बात कह के मेरे मुंह पर जूता नहीं मारना, जा तू जाके तैयार हो मुंह हाथ धोके। अब्बा मुझे नहीं जाना किसी गैर महरम के साथ कहीं भी। गैर महरम नहीं है, तेरा होने वाला मियाँ है वो। ठीक है, आप जाकर कहें मैं 3-4 मिनट में बाहर आ रही। जा तू खुशबू के लिए चादर लेके आ, मैं जाके नदीम को बताता हूँ कि वो खुशबू आ रही है। मैं लाती हूँ। जा लेके आ। अब तो बहुत जल्दी करनी पड़ेगी, अगर उसने कह दिया तो मैं तो आज रात ही। या अल्लाह ये उसका फोन क्यों बंद है? काश ये मेरा वहम ही हो, फोन तो ऑन करो एटलीस्ट। रिश्ते की बात तो मैंने कर दी, लेकिन तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि कोई हुरमत के लिए कोई कीमती तोहफा ही ले जाता। डैम, लगता है फोन ऑन करना ही पड़ेगा। मामा और हुरमत दोनों परेशान हो रखे। आजो भाई, आजो, आजो भाई, आजो। ठीक है भाई, ले जा इसको, लेकिन एक बात सुन ले भाई, सबसे पहले इसको ठंडी बोतल या गन्ने का रस पिला दियो, दिमाग ठोक रहा है इसका। अरे चाचा जो बोलेगी वो पिलाएंगे, इसके लिए तो जान हाजिर है। ठीक है, जा जा बेटा, जा चल आ जा। क्या देख रही है? जाओ जल्दी जाओ, और अल्लाह के हवाले। ठीक है, जा बेटा, जाओ जाओ, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। चल बैठ जा। आ गयो। पकड़ ले सही सही, होने वाला शौर हूं मैं तेरा। पकड़ लिया मैंने। अरे अदा को मैसेज कर दूं मैं? अदा बेटा, बेटा मौजस का फोन अभी भी बंद जा रहा है, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, तो मैं डॉक्टर गनमा की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, तुम उठोगी तो मैसेज देख लोगी, परेशान ना होना, मैं जल्द आ जाती। मैं अभी हुरमत को कॉल करके खुशखबरी देता हूं कि मैं अपनी फैमिली को लेके आज ही उसके घर आ रहा हूं रिश्ता लेने के लिए। मामा को पहले फोन किया तो मामा ढेरों बातें सुनाएंगी, तो पहले हुरमत को कॉल करता हूं और फिर मामा को। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। 5 मिनट बात करता हूँ। जी जी ठीक है। अच्छा मैंने कुछ दवाएं चेंज कर दी हैं, अगर कोई मसला तो फिर आप कल की अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर का ना? जी फरमाइए। मुझे तुमसे बात करनी है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? अगर आपको चेकअप ही करवाना है तो कल की अपॉइंटमेंट ले लें आप।
मैं तुमसे अपना इलाज करवाने नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का इलाज करने आई। हाउ डे यू टॉक टू मी लाइक दिस? आप हैं कौन? मुअज्जज की माँ, बात कराओ उससे। सो सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। आप प्लीज चलिए मेरे साथ, हम अंदर चल के बात करते हैं। आंटी, जैसे कि तुम बड़ी नन्नी मुन्नी सी बच्ची हो। सॉरी, अब मैं आपको आंटी नहीं, मैम प्लीज हम अंदर चल के बात कर सकते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, और मुझे पूरा यकीन है मुअज्जज तुम्हारे पास, क्योंकि तुम उसे फंसाने की पूरी कोशिश कर रही। मुअज्जज ठीक ही कहता था इस औरत के बारे में। वो मेरे पास आया जरूर था, और उसने कहा कि उसने घर छोड़ दिया, और मैंने उसे घर पे रहने की ऑफर भी की, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। झूठ मत बोलो, चलो मेरे साथ अपने घर, फिर देखते हैं मुअज्जज वहाँ है या नहीं। अब तो मैं इस औरत की परछाई भी मुअज्जज पे पड़ने नहीं दूंगी। रिश्ता लेकर तो आज ही जाना है, मगर अब मैं तुम्हारी जिद पर कोशिश करूंगी कि मुअज्जज की शादी भी इसी हफ्ते हो जाए। शाम सो गया क्या? नहीं, बस मैं आपके इखलाक के बारे में ही सोच रही थी। माँ नहीं हो ना? माँ अपने बेटों को बिगड़ने से बचाने के लिए खुद बेटों के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। अब तुम सोचो दूसरों के साथ क्या कर सकती है। पता नहीं, जब माँ बनूंगी तो बताऊंगी। आईना नहीं देखती क्या? ओ बीबी, बच्चा पैदा करने की उम्र गुजर गई तुम्हारी। लिसन मैम, ये मेरा हॉस्पिटल और यहाँ मेरे पेशेंट है। अगर आपका इतना ही दिल कर रहा है कि मुअज्जज को मेरे घर से बरामद करवाने का, तो आप जाइए, जाके FIR कटवाइए और सर्च वारंट लेकर आइए। अब FIR करूंगी। आप जा सकती हैं प्लीज। ठीक ही कहता है मुअज्जज, ऐसी माँ से तो मुअज्जज ने अच्छा ही किया कि हुरमत को बचा लिया। कैसे जाली सुए बन रहे हैं यार, 4 दिन काम करो धार खत्म हो जाती है इसकी। क्या कौन है बे? किसका फोन है इस वक्त? ओ नदीम, अबे यार कहाँ हो तुम लोग? हेलो चाचा खुशबू, और मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट?